वो है गणेश मंदिर, गणेश जी का टेंपल, वो है नाहरगढ़ फोर्ट, जिन्होंने 1799 में 1799 में हवा महल को बनवाया था। तो फ्रेंड्स, ये जो जल महल में आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये टोटल मतलब जो बिल्डिंग है 7 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके 5 फ्लोर तो पानी के नीचे ही है। जस्ट ये 2 फ्लोर की झलक आपको दिख रही होगी पानी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर विंड व्यू कैफे, मतलब इस कैफे से हवा महल की मतलब जो व्यू है वो पूरा क्लियर दिखता है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये हवा महल के। जैसे ये आप देख रहे हैं विंड व्यू कैफे, और साथ ही दूसरी तरफ इसके है ये हवा महल। साथ ही इस विंड व्यू कैफे के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अगर आपने मूवी देखी होगी शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें परिणीति चोपड़ा और सुशांत राजपूत थे, तो उन्होंने उधर ही ऊपर से मूवी की एक शूटिंग करी थी, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी थी, जिसके सामने ठीक हवा महल का व्यू दिखाया गया था। तो ये वही है कैफे, जस्ट हवा महल की दीवार के साथ साथ मतलब बाहर की तरफ ये छोटी छोटी दुकानें आप इस तरह से देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का व्यू रहता है हवा महल के बाहर का, और ये दीवार तो बस ये हवा महल की, ये सारी बाउंड्री मतलब जो आपको दिख रही है, और ये इसके सामने का सारा एरिया है हवा महल के, ये आप देख लीजिए, ये इसका चारों ओर के बाहर का नज़ारा है। इस तरह की मतलब दुकानें हैं, हवा महल की दीवार के साथ साथ आपको दिखती रहेंगी, और ये दोनों तरफ है, ये हवा महल इस तरफ है और साथ ही दूसरी तरफ भी पूरी मतलब काफ़ी पुराने टाइम की बनी हुई ऐसे ये शॉप्स हैं यहाँ पे। ये यहाँ से हवा महल के लिए एंट्री करेंगे। हवा महल की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक की। तो चलिए अब यहाँ से एंटर करते हैं हवा महल के लिए। एंट्री होगी हवा महल के लिए, बट उससे पहले वो आपको सामने दिख रहा होगा टिकट काउंटर, वहाँ से एक बार टिकट लेंगे और फिर यहाँ से एंट्री करेंगे, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आखिर टिकट प्राइस वगैरह क्या है सब आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए। टिकट यहाँ ले लिया, आप देख सकते हैं टिकट है 104 रुपये की, मतलब 52 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब चलते हैं एंट्री करते हैं। यहाँ टिकट चेक करने के बाद हम आ चुके हैं हवा महल के अंदर, और ये आप देखिए एंट्री करते ही जो फर्स्ट व्यू हवा महल का मिलता है वो कुछ इस तरह का है, आप ये देखिए। एंट्री करते ही एक और आप देखेंगे यहाँ व्यू, एक कुआं बना हुआ है। अब तो खैर ये नहीं है, मतलब वर्किंग नहीं है, अब तो काम नहीं करता है, बट किसी टाइम पे रहा होगा। तो ये यहाँ से इसकी रस्सी होगी जैसे, अब यहाँ से बंद कर दिया प्रॉपर, पर काफ़ी गहरा है, बहुत ही गहरा, ये आप देखिए। यह है हवा महल के अंदर, आप देख सकते हैं ऐसा व्यू है इसका यहाँ का। और ये यहाँ से छोटी छोटी खिड़कियां बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। और ये साथ ही दरवाजे देख सकते हैं पुराने टाइप के बने हुए, पुराने जमाने के। तो अभी जैसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ आए हैं, तो यहाँ से आप यहाँ का व्यू देखिए, thank you.
ये हवा महल देखिए आप, हर तरफ कितनी खिड़कियां हैं, मतलब खुला है, काफ़ी एरिया खुला ही है और हर तरफ आपको ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां, चाहे आप किसी भी फ्लोर में रहें यहाँ भी देख सकते हैं। और अगर इस दीवार की बात करें तो ऊपर भी ऐसे खुला खुला, हर दीवार हर तरफ से खुली खुली छोटी छोटी खिड़कियाँ जैसी बनी हुई हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए इंटीरियर है यहाँ हवा महल का, बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही पीछे देखिए आप कितनी कलरफुल विंडोज हैं। और यहाँ से बाहर जाते हुए ये सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे अच्छी हवा आ रही है, हवा महल का सबसे अच्छा मतलब लगा मेरे को ये जगह, हवा महल की बहुत बढ़िया हवा आ रही है इधर। और यहाँ भी आप देखिए खिड़कियाँ हर तरफ काफ़ी सारी हैं। मुझे हवा महल में सबसे ज़्यादा बस ये विंडोज़ देखने को मिली, विंडोज़ यहाँ काफ़ी सारी हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारी। तो कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे हर तरफ विंडोज़, साथ ही छोटी छोटी छेद हैं इनमें से भी काफ़ी क्लियर विजिबिलिटी है अगर आप देखेंगे। और दोनों तरफ मार्केट है, और ये देखिए आप छोटी छोटी विंडोज़, ये मार्केट आप सामने देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं और ऊपर को जा रहा हूँ, मतलब देखते हैं ऊपर से और व्यू हवा महल का, और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ कितनी कंजेस्टेड स्टेयर्स हैं, पर चलो एक बंदे के लिए ठीक है, चल सकते हैं। पर यहाँ से नज़ारा देखिए, अब यहाँ से आप व्यू देखिए हवा महल के चारों ओर का, कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ से वो जो आपको उधर सामने दिख रहा होगा वो है गणेश मंदिर, गणेश जी का टेंपल, और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ वो जो किला जैसा आपको दिख रहा, वो जो किला दिख रहा है फोर्ट, वो है नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़। उसके साथ आप देखेंगे कितना दीवार आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऐसे अपने मोबाइल से दिखाने की आपको, कैमरा से, तो मोबाइल के कैमरे को पूरा जूम करके दिखाया हुआ है, देखिए अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो, दीवार जैसी बनाई हुई है काफ़ी। तो बस ये यहाँ से दिखता है नाहरगढ़ फोर्ट, और इसके ठीक सामने ये नाहरगढ़ फोर्ट है, और इधर को आप आएंगे थोड़ा इधर देखेंगे तो ये सामने गणेश जी का टेम्पल है। और मैं थोड़ा दूसरी तरफ से आके आपको यहाँ से भी व्यू दिखा रहा हूँ चारों ओर का। वो उधर से हमने एंट्री करी थी ये हवा महल के लिए, और एक एक करके सारे फ्लोर्स ऊपर आए, पहले इसमें आए फिर इसमें आए फिर इसमें आए और ऊपर आए, और अब यहाँ हैं। ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हर तरफ मतलब बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, बहुत काम आती होंगी पहले के टाइम पे, जितना मैं समझ रहा हूँ। या तो यहाँ से रानी अपने राजाओं को भी देख सकती थी अगर वो नीचे हैं, साथ ही अगर सैनिक है तो वो दुश्मनों को भी देख सकते हैं। तो आप भी गेस कीजिएगा किस काम में ज़्यादा आती होंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा हवा महल को जैसे डिज़ाइन किया गया था, ये पूरा डिज़ाइन है हवा महल का। ये जो आपको सामने रेड रेड दिख रहा है ये उसका फ्रंट है, जहाँ मैंने वो कैफ़े दिखाया था आपको, जहाँ से वो शुद्ध देसी रोमांस वाला कैफ़े मैंने बताया था, उस तरफ से देखने पर वो वाला व्यू वहाँ से दिखता है। और हम वहाँ से घूम के इस वाले गेट से हमने यहाँ एंट्री करी थी हवा महल के लिए। तो ये पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन आप देख सकते हैं हवा महल का, बहुत ही सुंदर किया गया है। आप सामने देख सकते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की तस्वीर, जिन्होंने 1799 में 1799 में हवा महल को बनवाया था। साथ ही सवाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी भगवान कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे, बाकी कुछ डिटेल इनके बारे में यहाँ लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये है हवा महल का वे टू एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। तो वो सब यहाँ से बाहर को चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हवा महल को घूम आए, बहुत अच्छे से देखा एंजॉय किया हवा महल को। तो बस अब हवा महल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है जल महल, तो बस वहाँ से ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा लेके चले अब हम जल महल की तरफ। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे जल महल।
हवा महल से ई रिक्शा लेने के बाद पहुंच चुके हैं जल महल। अब थोड़ी सी आपको यहाँ की दिखाते हैं वीडियो और आते हैं। अभी हवा महल के बाद आए हैं जल महल की तरफ। बस जैसे ही हवा महल से निकले वहाँ की ई रिक्शा की फैसिलिटी मतलब यहाँ तक 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है 100 रुपये लिए ई रिक्शा वाले ने, और हम पहुँच चुके हैं जल महल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो जल महल में आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये टोटल मतलब जो बिल्डिंग है 7 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके 5 फ्लोर तो पानी के नीचे ही हैं। जस्ट ये 2 फ्लोर की झलक आपको दिख रही होगी पानी के ऊपर, तो मतलब ये इतना मतलब गहरा पानी है और बिल्डिंग पूरी मतलब 5 मंजिला पानी के अंदर है। और ठीक इसके पीछे आप वहाँ देखेंगे तो जो आपको दिख रहा है तो वो जो है वो एक किला ही है, मतलब जेल है वो बेसिकली। तो जिसके लिए अगर आपने वहाँ जाना है, वैसे वो भी टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं वहाँ, उसके लिए आपको दूसरा रास्ता फॉलो करना पड़ता है, जो कि वहाँ से कहीं से दूसरी रोड जाती है जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं, उस प्लेस को देख सकते हैं। तो बस ये कुछ थी इन्फॉर्मेशन। तो हम तो वैसे वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट आप अगर कभी आना यहाँ आए और जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हवा महल भी अच्छे से घूम लिया है, तो काफ़ी अच्छा लगा हवा महल। तो आप भी अभी कभी जयपुर आएँ तो ज़रूर आके विज़िट करें, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।